नमस्कार सर। नमस्कार सर, अगर बात की जाए आपके सफर की, कैसे राजनीति में आना हुआ और वो कैसे सबक बना? देखिए, राजनीति में तो मेरा जन्म ही एक राजनीतिक परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी ने 5 चुनाव पानीपत से लड़े और मैं तो अपने बचपन से ही जो है अपने घर पे भीड़ देखता था और पिताजी ने सदैव लोगों की जो है जन समस्याओं का जो है समाधान किया और वर्षों से हम लोग इसी काम में थे। लेकिन हमने ये जो संगठन बनाया है भारतीय मोदी आर्मी, ये पिछले 12 साल से देश में कार्यरत है। मोदी जी की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का ये एक संगठन है। हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और इसमें कोई राजनीति भी नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोगों का समूह है। हम अपने आप को मोदीवादी कहते हैं क्योंकि मोदी जी, हमें ऐसा लगता है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है। और पिछले 12 सालों से हम देश के लोगों को समझा रहे थे कि मोदी जी इस देश के लिए क्यों जरूरी है, और आप पिछले 5 साल से लोगों ने जो अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया मोदी जी को, और मोदी जी ने इन 5 सालों के अंदर देश को ऐसे कीर्तिमान दिलवाए, ऐसे कीर्तिमान देश के लिए स्थापित किए। आज मोदी जी का खुद का शुमार जो है वो दुनिया के तीसरे नंबर के शक्तिशाली व्यक्तियों में जो किया जाता है, तो ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है और बड़े सम्मान की बात है। सर, अगर बात की जाए मोदी जी के विदेशी दौरों की, तो सारी बड़ी खूबसूरती के साथ आप प्लान करते हैं, तो कैसे होता है सारा कुछ, कैसे एनर्जी लाते हैं? देखिए, मोदी जी का जो रुतवा है, मोदी जी का जो जलवा है, वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सिर चढ़ के बोल रहा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी जो अभी अभी इमरान खान जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 14 तारीख को, वो भी मोदी जी का ही नाम ले लकर के जो है चुनाव जीते, और उन्होंने अपने देशवासियों से ये वायदा किया कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो जिस प्रकार, जिस तर्ज पे भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी काम करूंगा। तो मोदी जी को जो है पूरी दुनिया मान रही है। मैं तो पूरी दुनिया में जहां जहां भी मोदी जी जाते हैं, हम लोग भी वहीं जाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। तो आज जो एक हमें देखना पड़ता था, एक रुसवाई हमारी होती थी जब हम, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब जाया करते थे तो उनकी पगड़ी और जूते तक भी उतरवा लिए जाते थे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन आज वही भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की धरती पर पांव रखते हैं तो घंटों वहां के प्रधान राष्ट्रपति, चाहे वो ओबामा हो चाहे वो ट्रंप हो, इंतजार करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की। तो ये एक फर्क हमें देखने को मिला है जब से नरेंद्र मोदी जी आए। सर, अगर बात की जाए 2019 की, तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल पॉलिसी बनाई है? देखिए, 2019 कोई ज्यादा दूर नहीं है, बड़ा नजदीक है। और ऐसा लगता है कि हमें जो है देश के लोगों को जब तुलनात्मक दृष्टि से वो देखें, अगर मोदी जी के साथ किसी को भी कंपेयर करें, तो कोई भी मुझे देश का ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो उनके मुकाबले पे खड़ा भी होता हो। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगले चुनाव के अंदर, और अभी 6-7 महीने पड़े हैं, 6-7 महीनों के अंदर मोदी जी देश के लिए अनेकों योजनाएं घोषित करने वाले हैं। दिवाली के पटाखे दिवाली पे छूटेंगे और वो मोदी जी द्वारा ही छोड़े जाएंगे। हम उसको जो है वो उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है, उन्हीं को वो करने देंगे। लेकिन निश्चित रूप से देशवासी जब वो उनकी घोषणाएं सुनेंगे और उनके कामों को देखेंगे जो अभी पाइपलाइन के अंदर है, तो लोग जो है किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सर, आप तिरंगा यात्रा के लिए मशहूर हैं, 15 अगस्त आने वाली है, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, भारत के अंदर भारतीय मोदी आर्मी ने पिछले 1.5 साल में 37 तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, और उन क्षेत्रों के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली हैं जहां सामान्य रूप से भी लोग जाने से कतराते हैं, जैसे कश्मीर। अभी हम 3 दिन पहले ही कश्मीर से होकर के आए। कश्मीर के अंदर जो है कश्मीर की सड़कें, कश्मीर की गलियां खूनों खून लहू लहान हुई हैं भाईचारे को लेकर के, लेकिन हम अभी वहां पर भाईचारे की कस्में उठवा करके आए हैं। आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, पीस एंड हार्मोनी की जो है हमने वहां कस्में उठवाई हैं, लोगों को जोड़ा है। और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी हम वहां जो गए, वहां हम गिरजाघरों में भी गए, हम वहां मंदिरों में भी गए। हनुमान मंदिर वहां पे लाल चौक पे बड़ा मशहूर है, लाल चौक के ऊपर ही एक 102 साल पुराना गुरुद्वारा है, हम वहां भी जाकर के आए। और वहां हजरत बल की दरगाह पर भी हम गए। सभी जगहों पर
और सभी धर्माचार्यों से हम मिले और सभी ने हमें एक मत होकर के कहा कि हम लोग यहाँ पे आपसी भाईचारा चाहते हैं, यहाँ पर जो है हम ये चाहते हैं कि कोई भी खून खराबा ना हो, एकता हो, समन्वय बने और शांति की स्थापना हो। यही आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हम देशवासियों से भी यही कहना चाहेंगे कि मैं एक शेर के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता पे एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है, इस खून की यारों कदर करो, आखिर तो ये खून इंसान का है, इंसानियत का जज्बा, भाईचारे की बात, यही हमारा संदेश है। सर अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में नशे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नशे ने हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको जो है बहुत ज्यादा जो है तकलीफ दी है, और इतना खुशहाल प्रदेश, जब पंजाब का नाम आता है तो गबरू जवान हमें दिखते हैं। आज वो जो गबरू जवान है वो नशे की लत में जो है इस कदर डूब गए हैं कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी उस नशे की आदि हो जाएंगी अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया। सरकार जो है उसको पूरे निर्देश है केंद्र की ओर से, और सरकार कुछ काम पे लगी भी है, तो इसमें मैं सामाजिक संस्थाओं से कहूंगा कि वे आगे आए और ऐसा वातावरण बनाए, जैसे कश्मीर के लोगों को अब ये समझ आ चुकी है कि जो है हिंसा कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ के नौजवानों को भी प्यार से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे डाल करके लोगों को समझाना होगा, बताना होगा, जताना होगा कि जो ये काम कर रहे हैं वो गलत है और इसका दुष्प्रचार, दुष्प्रभाव जो है वो बच्चों पे भी पड़ेगा, आने वाली नस्लों पे भी पड़ेगा, तो इस काम से उन्हें हटना होगा। और यहाँ तो हरियाणा बिल्कुल पड़ोस में है, हरियाणा के अंदर एक नारा है देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, तो पहले ये पंजाब में ही ऐसा हुआ करता था, अब वो हरियाणा में चल रहा है, लेकिन हरियाणा से ही सीख लेते हुए, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, तो उससे सीख लेते हुए पंजाब के लोग फिर से एक बार जो है वही गबरू जवान बनकर के दिखाए जिसके लिए वो मशहूर है। बॉर्डर्स के ऊपर देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं पंजाब के नौजवानों ने। जब भी पंजाब के नौजवानों की बात आती है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे मुझे याद है खड़े होकर के 1965 की लड़ाई में, 1972 की लड़ाई में जब वो एक बार जो है एक बड़क भी मारते थे तो पाकिस्तानियों की सलवारें जो थी वो गीली हो जाया करती थी, तो हम वही पंजाब देखना चाहते हैं दोबारा। सर अगर बात की जाए लुधियाना की तो लुधियाना में लगातार साइकिल इंडस्ट्री हो जहाँ होजरी हो पिछड़ रही है, आप क्या कारण मानते हैं? देखिए उसके लिए मैं सरकार को, मौजूदा सरकार को इसके लिए दोषी मानता हूं कि वो सब्सिडीज दें, वो सहूलतें दें यहां के व्यापारियों को, ताकि यहां का व्यापारी पलायन ना करे। यहां का होजरी उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है, साइकिल उद्योग पूरे भारत में मशहूर है। जब भी साइकिल की बात आती है तो चाहे वो छोटे बच्चों का ट्राईसाइकिल हो, चाहे वो बड़े लोगों का साइकिल चलाने की बात हो, तो वो लुधियाना से ही पूरे देश भर में जाता है। तो ऐसा वातावरण यहाँ पे बनना चाहिए ताकि उनको सब्सिडीज मिलनी चाहिए, उन्हें सहूलतें मिलनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पे मजदूर काम करते हैं उनको भी रियायतें मिलनी चाहिए, उनको जो है ओवर टाइम मिलना चाहिए। तो अगर ऐसी योजनाएं ईएसआई पीएफ उनको अगर प्रॉपर टाइम पे मिलेगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई जाएगा और फिर से फूलने फूलने लगेगी ये इंडस्ट्री। अगर सर आपकी सरकार वापस आती है तो क्या करेगी पंजाब? देखिए ये तो जनता की हमेशा से लोकतंत्र के अंदर बटन जो दबाया जाता है वो पर्दे के पीछे दबाया जाता है, इस बार भी लोगों ने दबाया, लेकिन ये गलती हुई पंजाब के लोगों से, उसका जो भी उनका गुस्सा था पिछली सरकार के प्रति उसको भारतीय जनता पार्टी को भी वो जो है उस गुस्से का जो है सामना करना पड़ा। लेकिन मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा कि 2019 बड़ा नजदीक है, तो वो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए सुधारते हुए दोबारा से एक बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दे, जो कमी पेशियां रह गई हैं उसे जरूर हम पूरा करेंगे। और जो ये सरकार है, अगर ये सरकार माननीय अमरिंदर सिंह जी की जो सरकार है अगर ये ठीक काम करेगी तो इनको भी केंद्र सरकार से जो है पूरी सहूलतें मिलेंगी, लेकिन अगर ये नहीं करेगी जो जिसकी मुझे उम्मीद कम है, तो जनता है, जनता जनार्दन सिर पे भी बैठाती है, जनता जनार्दन सिर से उतार के नीचे भी फेंकती है, फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पहुंचाने पे
पहुंचाने वाली है जनता जनार्दन ही है। तो इसके लिए मैं जनता के विवेक पे ही ये बात छोड़ता हूं, वो सोचे और समझे किसको उन्होंने अपना आशीर्वाद देना है। सर, जब आपको फुर्सत के लम्हे मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? फुर्सत के लम्हों में मुझे कभी फुर्सत होती नहीं है। मैं रात के 3-4 बजे तक जागता हूँ जब देश के लोग सो रहे होते, क्योंकि हमारा ये इंटरनेशनल संगठन है, 17 देशों के अंदर काम कर रहा है। तो जब देश के लोग सो रहे होते हैं तो मैं इंटरनेशनली दूसरे देश के लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो उन लोगों को भी आदत हो गई और मुझे भी आदत हो गई है कि रात को वो उनके दिन होता है, हमारी रात होती है। तो मैं उनसे जब बात कर रहा होता हूँ तो मुझे फुर्सत तो मिलती नहीं कभी, लेकिन जब कभी भी फुर्सत मिलती है तो मैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, दरगाहों में, मस्जिदों में, सब जगह जाता हूँ। ये जो है गिरजाघरों में भी जाता हूँ, जैसे आ जाया हूँ और अभी मैं गुरदासपुर में मेरा प्रोग्राम है वहाँ बटाला के अंदर, वहाँ भी हम गिरजाघर में जाएंगे। कल आज ही हमने हरमंदिर साहब में भी जाना है, आज ही हमने सीता माता की कुटिया अमृतसर में है वहाँ भी जाना है। तो हम सभी स्थानों पर जाते हैं, सभी जो है धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। सर, जाते जाते इंटरनेशनल लेवल पर अगर डॉक्टर राजीव आहूजा ने कोई मैसेज देना हो तो क्या देना? इंटरनेशनल लेवल पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारत जो है जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। जगत गुरु ये पहले भी था, अब भी है और आने वाले समय में भी जगत गुरु बन के ये दिखाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के हर मुल्क के लोग जो है एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और भारत एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। इस प्रोग्रेसिव कंट्री में हर देश जो है आना चाहता है और अपना व्यापार हो, उद्योग हो, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए जो है वो यहाँ पर अपने उद्योग लगाना चाहता है। तो अगर वो लोग आते हैं तो मोदी जी ने तो दोनों बाहों से उनका जो है स्वागत कर ही रहे हैं। देश भर के अंदर वो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज के, जापान के, कनाडा के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जर्मनी के बहुत से उद्योग आ रहे हैं। तो उन सबका जो है मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी इंटरनेशनल कंट्रीज को कहना चाहूंगा कि वो आए और भारत के अंदर भारत के लोगों को जो है एक मौका दें कि वो भी जो है उस श्रेणी का जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं दे सके जिसके लिए जिस तरह की सुख सुविधाएं वहां पर मिलती हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना बनता जा रहा है, भारत एक ऐसी मंडी बनता जा रहा है जहां पूरी दुनिया के लोग आकर के अपना कारोबार करना चाहते हैं।